वेलकम बैक गाइस, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी टॉप 5 टीम है जो ऑक्शन में फजल अब्राचली के ऊपर टारगेट कर सकती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कृपया करके वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उससे पहले हमने मोहम्मद रजे शादलू, रोहित गुलिया, राहुल चौधरी, मनिंदर सिंह और भी कई सारे प्लेयर पर हमने वीडियो बना दी है भी कौन कौन से प्लेयर ऑक्शन में टारगेट कर सकती है टीमें। तो वो भी काफ़ी वीडियो हमने इंटरेस्टिंग बनाया है, सभी प्लेयरों के बारे में हमने जानकारी दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम गवाए, कौन सी टीमें फजल अब्राचली को टारगेट कर सकती है। नंबर वन पर दबंग दिल्ली इन्हें टारगेट करना चाहेगी। दबंग दिल्ली के पास लेफ्ट कॉर्नर के जो प्लेयर थे वो इन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं। इनके पास ऑक्शन में 3.12 लाख के करीब पर्स बैलेंस रहने वाला है। सीजन 9 में भी दबंग दिल्ली ने फजल अब्राचली को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करी थी, तो दबंग दिल्ली भी इनकी तरफ जा सकती है सीजन 10 के लिए। दूसरे नंबर पर यूमुबा टीम इनकी तरफ जा सकती है। यूमुबा के जो कोच हैं गुराम अलजा सर, वो ईरान के हैं, एक वजह ये भी हो सकती है। और पहले भी फजल अब्राचली यूमुबा में खेल चुके हैं और इनके पास ऑक्शन में 2.69 लाख के करीब पर्स बैलेंस रहने वाला है। इनके पास रिंकू नरवाल और सुरेंद्र सिंह काफ़ी अच्छे डिफेंडर हैं, तो यूमुबा इनकी तरफ जा सकती है। नंबर 3 पर तेलुगु टाइटन्स इनकी तरफ जा सकती है। तेलुगु टाइटन ने सिर्फ प्रवेश को रिटेन करा है, बाकी सारे प्लेयरों ने रिलीज़ कर दिए हैं। इनके पास ऑक्शन में 3.46 लाख के करीब पर्स बैलेंस रहने वाला है। अगर तेलुगु टाइटन्स इन्हें टारगेट करती है तो इन्हें कैप्टन भी बना सकती है। नंबर 4 पर हरियाणा स्टीलर इन्हें टारगेट करना चाहेगी। हरियाणा स्टीलर के पास ऑक्शन में 3.16 लाख के करीब पर्स बैलेंस रहने वाला है। मनप्रीत सिंह इन्हें पहले भी टारगेट कर सकते जो कि हरियाणा के हेड कोच हैं, एक बार फिर से मनप्रीत सिंह ने टारगेट करना चाहेंगे। हरियाणा स्टीलर के पास मोहित नांडल और जय दहिया की कवर जोड़ी काफ़ी अच्छी है। अगर फजल अब्राचली भी आ जाते हैं तो इनकी डिफेंस यूनिट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। नंबर 5 पर पनेरी पटन इन्हें एक बार फिर से टारगेट कर सकती है, क्योंकि पनेरी पटन में इन्होंने पिछली बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, पनेरी पटन को फाइनल तक लेके गए थे और पनेरी पलटन के ऊपर IBM कार्ड का यूज़ कर सकती है। तो गाइस ये थी टॉप 5 टीमें जो ऑक्शन में फजल अब्राचली को टारगेट कर सकती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।